अवश्य समझेंगे। यदि तुम धर्म के पथ पर चलने का वचन दोगे तो तुम अभी भी मेरी क्षमा के पात्र बनोगे। तुम क्षमा करोगी मुझे? तुम नहीं चाहिए मुझे कोई क्षमा। क्षमा याचना करने नहीं, तुमसे युद्ध करने आया हूं मैं। हार मालाओं से नहीं, अपने भयंकर अस्त्रों से तुम्हारा स्वागत करूंगा और अंत करूंगा तुम्हारा, तुम्हारी सेना का और तुम्हारी सृष्टि का। अब तुमने अपने जीवित रहने का अंतिम अवसर भी गवा दिया है भंडासुर। इस अनावश्यक युद्ध में अपने विकारों के कारण अपने प्रियजनों को खोया है तुमने, फिर भी तुम्हें अपने विकार ही प्रिय है भंडासुर। मूर्खता की पराकाष्ठा है ये। ना कोई ज्ञान, ना कोई उपदेश, कुछ नहीं सुनना है मुझे। गुरु शुक्राचार्य, गणेश जी और मेरी पुत्री करते होंगे तुम्हारी पूजा, मानते होंगे तुम्हें देवियों की देवी। तो मानते हैं मुझे क्या, क्योंकि अब मैं देवियों की देवी, संपूर्ण ब्रह्मांड की देवी के विरुद्ध में सभी ब्रह्मांडों के सर्वशक्ति का प्रयोग कर तुम्हें पराजित करूंगा, तुम्हें पराजित करूंगा। ब्रह्मांडस्त्र विनाश काले विपरीत बुद्धि। प्रकट हो, पशुपतास्त्र। एक ओर भंडासुर ने ब्रह्मांड अस्त्र का आवाहन किया है जिसमें सभी ब्रह्मांडों की ऊर्जा समाहित हो जाती है, वहीं दूसरी ओर माता ने पशुपतास्त्र का जिसमें सृष्टि के सभी प्राणियों की ऊर्जा समाहित है। यदि इन दोनों का टकराव हुआ तो महाविनाशी विध्वंस होगा। देवियों की देवी, ज्ञात है मुझे पशुपतास्त्र में सभी जीवों की ऊर्जा है, किंतु तुम्हारा ये अस्त्र ब्रह्मांड अस्त्र का सामना कैसे करेगा जिसमें सभी ब्रह्मांडों की, सभी ग्रहों की ऊर्जा है। भंडासुर,
तुम्हारा दम अभी भी तुम्हें भ्रमित कर रहा है। बहुत विश्वास है ना तुम्हें अपने अस्त्रों पर? तो फिर उचित मैं तुम्हें वचन देती हूँ, तुम्हारे अस्त्र के प्रयोग के बाद ही मैं अपने अस्त्र का प्रयोग करूंगा। शांत क्यों है? भयभीत क्यों नहीं है? ये ना आक्रमण करने जा रही हैं, ना ही अपनी रक्षा करने की तैयारी कर रही हैं। कदाचित इन्हें ज्ञात ही नहीं मेरे अस्त्र का सामना ये कैसे कर सकेंगी। इस देवी ने अपना मुख क्यों खोल लिया? ते कुल सुंदरी नित्य नील पताके विजये सर्व मंगले ज्वाला मालिनी चित्रे महामित्रे परमेश्वर परमेश्वरी मित्रे। ये क्या हो रहा है? मेरे ब्रह्मांड अस्त्र इस देवी के मुख की ओर क्यों बढ़े जा रहे हैं? मूर्ख ही नहीं, महामूर्ख हो तुम भंडासुर। माता संपूर्ण ब्रह्मांड की जननी है। इस महाब्रह्मांड का प्रत्येक कण उनसे ही उत्पन्न हुआ है और तुम उनके विरुद्ध उनकी ही ऊर्जा का प्रयोग कर रहे थे। क्या तो अब भंडासुर करवाएगा? कितनी अपार शक्ति है मुझ में। अब मेरे कोप का सामना कर और अपने विकारों के अंत के लिए तैयार हो जाओ भंडासुर। मैं इस पाशुपतास्त्र का अंत करूंगा। ये अस्त्र मेरे अस्त्र का सामना नहीं कर सकेगा। रश्मि प्रभा, प्राण हरो, जय ललिता जय कार तेरी, अब भंडासुर संहार करो। माता पराशक्ति की जय। 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 सुरकान इतनी सरलता से नहीं होगा। माता के अस्त्र प्रहार के उपरांत ये पुनः जागृत कैसे हो गया? मत भूलो कि मैंने सहस्त्रों वर्षों तक महादेव की आराधना की है, तो मेरे इष्ट का अस्त्र भला मुझे कैसे हानि पहुंचाता?
देखो व्यर्थ हो गया ना ये तुम्हारा पाशुपतास्त्र। इस ब्रह्मांड का ही नहीं महाब्रह्मांड का भी प्रत्येक कण मेरी ही इच्छा से गतिमान होता है। जो हो चुका, जो हो रहा और भविष्य में जो भी होगा मेरी लीला से ही होगा मूर्ख भंडासुर। किंतु ये तुम कदापि नहीं समझ सकोगे कि मेरी लीला कभी भी व्यर्थ नहीं होती। देखो भंडासुर, तुम्हारे जिन विकारों पर ये अस्त्र केंद्रित वो सभी नष्ट हो चुके हैं और अब तुम केवल अकेले खड़े हो। दुर्गमा दुर्गमा लोका दुर्गमात्म स्वरूपिणी दुर्गमार्ग प्रदा दुर्गम विद्या दुर्गमाश्रिता मेरे विकार दुर्गम ज्ञान संस्थान वो कहाँ गए? ज्ञान वासिनी फिर जागृत हो जाओ मेरे विकारों, मुझे शक्ति दो, फिर से जागृत हो जाओ मेरे विकारों, जागृत हो जाओ मेरे विकारों। जिन विकारों से तुम शक्ति पाते थे और तुम्हारा असुरी महाअस्त्र सभी नष्ट हो चुका है भंडासुर, अब तुम उन्हें कभी भी पुनर्जागृत नहीं कर सकोगे। मेरा अस्त्र बिखर कैसे गया? कोई बात नहीं, चलता है। एक तुच्छ से युद्ध में इतना तो चलता है, क्योंकि सत्य तो ये है कि मुझे ना कोई अस्त्र की आवश्यकता है और ना ही किसी विकार की, क्योंकि मैं भंडासुर स्वयं ऐसा महाविकार हूं जो संपूर्ण संसार को अपना क्रास बना सकता है। भंडासुर स्वयं ऐसा अस्त्र है जो समस्त जगत को भस्म कर सकता है, चाहे तुम ब्रह्मास्त्र या नारायण अस्त्र का प्रयोग करो, सब के सब विफल होंगे भंडासुर के सामने। तो आगे बढ़ो और प्रयोग करो अपने अस्त्र का, प्रयोग करो अपने अस्त्र का। पिताश्री अभी भी क्यों नहीं समझ रहा? माता उन्हें कैसे क्षमा करेगी गणेश जी? वो माता के क्षमा का पात्र नहीं है, वो अपने बल के अहंकार में चूर है और उसकी बुद्धि भी क्षीण हो चुकी है। तुम्हारे सभी विकार मिट गए हैं, किंतु उन विकारों से तुम्हारा लगाव समाप्त नहीं हुआ है। तुम्हारे पूर्व कर्मों की वासना अभी भी तुम्हारे भीतर है। देखो नहीं देवी, प्रयोग करो मुझ पर, एक नहीं अनेकों अस्त्रों का प्रयोग करो। तुम नहीं करोगी तो मैं करूंगा, तीनों त्रिदेवों का महाअस्त्र तुम्हारे विरुद्ध। अब तुम तैयार हो जाओ, ब्रह्मास्त्र नारायणास्त्र और रुद्रास्त्र का सामना करने के लिए। ब्रह्मास्त्र नारायणास्त्र और रुद्रास्त्र प्रकट हो। भंडासुर मंत्रोच्चारण कर उचित विधि से इन अस्त्रों का आवाहन कर रहा है, इसलिए त्रिदेव भी उन्हें रोकने में अक्षम होंगे। यदि ये त्रिदेव अस्त्रों को माता के विरुद्ध प्रयोग करेगा तो कदाचित माता उनका मान रखने के लिए उनके वार सहन कर लेंगी।
उनसे अपनी रक्षा नहीं करेंगी। हे माता, इसके पहले कि वो तीनों त्रिदेव वस्त्रों को जागृत करे, आप उसे रोक दीजिए। हमें ज्ञात है माता, यदि ये अस्त्र जागृत हो गए तो आप ना आक्रमण करेंगी ना ही अपनी रक्षा। सहस्रों वर्षों महादेव की आराधना की है इसे, जिसका अब ये लाभ उठाना चाहता, किंतु ये भूल गया कि महादेव की अनुचित आराधना कर इसने उनका अपमान किया और उनके साथ महादेव पुत्र प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश का भी अपमान किया और उससे भी अधिक प्रभु महाशिव की अर्धांगिनी के विरुद्ध खड़ा हुआ है। इसलिए आज इस अपराधों का दंड महाशिव के उस अस्त्र से प्राप्त होगा जिसके आवाहन करने का सामर्थ्य आज तक किसी में नहीं था। वो महाशिव अस्त्र जिसे आज तक किसी ने भी नहीं देखा, उसका प्रयोग करूंगी मैं। महाकामेश्वर अस्त्र, महाकामेश्वर अस्त्र। हे महाकामेश्वर, मुझे महाकामेश्वर अस्त्र प्रदान करें, मुझे महाकामेश्वर अस्त्र प्रदान करें। ओम महाकामेश्वर अस्त्र। श्री माता ललिता ने उस महाकामेश्वर अस्त्र का आवाहन किया है जो सहस्त्रों ब्रह्मास्त्रों, नारायण और रुद्र अस्त्रों से भी अधिक शक्तिशाली है। महाकामेश्वर अस्त्र। भंडासुर के अस्त्र पूर्णता प्राप्त करने की ओर है और वहां प्रभु ने महाकामेश्वर अस्त्र को जागृत किया है, किंतु उस अस्त्र को वहां से श्री माता ललिता तक पहुंचाने का सामर्थ्य किसमें है? क्योंकि जिसमें महादेव के समान सामर्थ्य होगा वही प्रभु महाशिव के इस बाण को उठा सकेगा। नंदी जी, यदि वो महादेव के भार का वहन कर सकते हैं तो वो प्रभु महाशिव के अस्त्र को भी महाब्रह्मांड से माता तक अवश्य पहुंचा सकते हैं। किंतु गणेश, नंदी जी को ये भंडासुर के अस्त्र को पूर्णता पाने के पहले ही करना होगा। नंदी जी, एकमात्र आप ही महाकामेश्वर अस्त्र को प्रभु महाशिव से माता तक पहुँचा सकते हैं। आज्ञा प्रभु। प्रणाम माता। प्रणाम प्रभु। असुर का अस्त्र किसी भी समय पूर्णता प्राप्त कर सकता है। हमारे पास बहुत ही अल्प समय है, पर मुझे विश्वास है कि नंदी जी समय रहते महाकामेश्वर अस्त्र को यहाँ ले आएंगे। पर प्रहार कर चुका हूँगा। नहीं भंडासुर, तुम्हारे सभी पापों का दंड तुम्हें इस अस्त्र से ही मिलेगा।
अस्त्र काम क्यों उठे? मैं अपने अस्त्र का प्रयोग क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? बहुत अहंकार है ना तुम्हें अपने अधर्म पे, प्राप्त महास्त्र पर। तो मैं तुम्हें शाप देता हूँ उचित अवसर आने पर इसका कब और कैसे उपयोग करना है तुम भी ये भी भूल जाओगे। नहीं, किसी भी श्राप का कोई प्रभाव नहीं होगा मुझ पर। इस अचूक अस्त्र का प्रयोग कर इस देवी का अंत करूंगा मैं। भंडासुर, जिन त्रिदेवों की शक्ति का स्रोत स्वयं माता पराशक्ति है, उन्हीं त्रिदेवों की शक्ति का प्रयोग माता पराशक्ति के विरुद्ध करने जा रहा था। स्वयं प्रभु कामेश्वर मेरी ओर क्यों बढ़ रहे हैं? उनसे युद्ध करने जा रहा था जो समस्त संसार की जननी है, सर्वोच्च शक्ति है, किंतु ये मेरा सौभाग्य भी है कि मुझे परम देवी माता पराशक्ति के हाथों मृत्यु प्राप्त हुई। जल 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 चाहिए मुझे। प्रभु गणेश जी, क्या मैं अपने पिता को जल पिला सकती हूँ? अवश्य रश्मि प्रभा। ये लो रश्मि प्रभा। पिताश्री मैं आ रही हूँ। मेरी पुत्री पिताश्री। मेरी रश्मि प्रभा। पिताश्री
अभी भी मुझसे स्नेह है, अभी भी मैं कितना भागा हूँ अपनी पुत्री को, जी भर के स्नेह भी नहीं कर सका। पिताश्री मैं जल ले आई, पिताश्री पिताश्री आइए, पिताश्री पिताश्री। नहीं पुत्री, क्षमा कर दो पुत्री, मैं तुम्हारा भी दोषी हूँ मेरी पुत्री, तुमने सदा मुझसे निस्वार्थ प्रेम किया, मैं ही उसका आदर ना कर सका। पिताश्री पिताश्री, मैंने तुम्हारा त्याग किया, तुम्हें इतने कष्ट दिए, फिर भी तुम मेरे लिए अश्रु बहा रही हो। पिताश्री आपको कुछ नहीं होगा, पिताश्री ये सत्य है पुत्री, कि तुम जैसी पुत्री का पिता बनना बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैंने तो ऐसा अपराध किया है पुत्री, कि मैं तो तुमसे क्षमा मांगने के योग्य भी नहीं रहा। जिस चलता है के भाव में मैंने अपना जीवन आधारित किया था, जिसके कारण मैं अपना सब कुछ खो बैठा, कितना अनुचित था। आज मुझे अपने मृत्यु शैया पर ज्ञात हुआ है। जीवन में कोई भी उपलब्धि प्रेम से बढ़कर नहीं, ये अब समझाऊं मैं? नहीं पिताश्री, आप कुछ मत कहिए, लीजिए जल पीजिए पिताश्री। पिताश्री जल पीजिए। पिताश्री 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 पिताश्री। रश्मि प्रभा, तुम्हारे हाथों से जल पीने से इसके शेष पाप भी मिट गए। पिताश्री, तुम्हारे प्रेम ने ही इस पापी को पवित्रता प्रदान कर दी पुत्री, प्रेम हो तो कोई भी नकारात्मक भाव मिट जाता है। पिताश्री, और अपने वचन के अनुसार मैं तुम्हारे पिता को मुक्ति प्रदान करती हूँ। पिताश्री, पिताश्री आपकी पुत्री आपके बिना अकेली हो गई, आपकी ये प्रेम की निशानी सदैव अपने पास रखूंगी। तुम चिंता मत करो रश्मि प्रभा, तुम अकेली नहीं, हम हैं तुम्हारे साथ, आज से सारे कैलाश निवासी है तुम्हारा परिवार। मान सरोवर के पास तुम्हारा जन्म हुआ था, इसलिए अब तुम सदा कैलाश में रहोगी। भंडासुर के अंत के साथ उसका भस्म में परिवर्तित होना संसार को ये शिक्षा देता है कि अनुचित अधर्म के मार्ग पर चलने का, चलता है का भाव को जीवन का मूल मंत्र बनाने का, कुछ पाने के लिए अधर्म
अन्याय और पाप की पराकाष्ठा पर जाने का यही परिणाम होता है, क्योंकि जीवन का अंतिम सत्य तो ये भस्म ही है। अन्य सभी कामना, अहंकार, ईर्ष्या, धन आदि नश्वर हैं। शरीर भी नश्वर है, बस आत्मा और कर्म ही नाश के परे हैं। भंडासुर की नहीं है ये भस्म, ये मेरे स्वामी की है, ये मेरे स्वामी की है। ये तो प्रभु कामदेव की अर्धांगनी देवी रति है। माता, दुष्ट पापी भंडासुर को भी आपकी कृपा से मुक्ति मिली, पर मुझे मेरे इस अकेलेपन से मुक्ति कब मिलेगी? मेरे सुहाग कब लौटेंगे? माता, मेरे स्वामी कामदेव ने महादेव पर कामवान साधने का दोष किया था, जिसका परिणाम उनका भस्म में परिवर्तित होना था। किंतु माता, मेरे स्वामी का प्रयोजन दोष पूर्ण कदापि नहीं था। तो माता, जब उनकी भस्म से उत्पन्न हुए भंडासुर को मुक्ति प्राप्त हो सकती है, तो मेरे स्वामी को क्यों नहीं? मुझ पर दया कीजिए माता, मुझे मेरा सुहाग लौटा दीजिए। इस भस्म को पुनः मेरे स्वामी में परिवर्तित कर दीजिए। मुझ पर दया कीजिए, मुझे मेरा सुहाग लौटा दीजिए। उचित कहा देवी रति, कामना को सार्थक रूप से जागृत करने वाले कामदेव का इस संसार में होना अति आवश्यक है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा उत्पन्न कामना से इस संसार का चक्र और सृष्टि आगे बढ़ती है। प्रणाम माता। स्वामी, स्वामी। कामदेव अपना मूल शरीर तो नहीं पा सकते, किंतु वो अब अपने इस पारदर्शी शरीर में सदा आपके साथ रहेंगे। धन्यवाद माता। पुत्र कामदेव, आज से तुम निर्भयता से इस संसार में विचरण करोगे और किसी को भी एक ही क्षण मोहित करने की शक्ति और अशकुक अर्थात शीघ्र गमन करने की शक्ति भी प्राप्त करोगे, और बिना शरीर के होने के कारण तुम अनंग नाम से भी जाने जाओगे। तुम्हारे ही प्रभाव से नर नारी में संबंध स्थापित होंगे, जिसके उपरांत वो एक दूसरे को अपना अर्थ भाग मानेंगे। जो आज्ञा माता। श्री माता ललिता की जय। श्री माता पराशक्ति की जय। श्री माता पराशक्ति की जय। क्या हुआ पुत्र गणेश, अब क्या चिंता सता रही है तुम? माता, भंडासुर का तो वध हो गया, किंतु संसार से चलता है का भाव कहाँ मिटा? मद, मात्सर्य, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये तो अभी भी संसार में व्याप्त है। तुमने सर्वथा उचित कहा पुत्र गणेश, कलयुग में चलता है का भाव का विस्तार अपने चरम पर हो और सभी विकार भी सभी सीमाओं के परे चले जाएंगे पुत्र। किंतु तुम चिंता मत करो पुत्र, कलयुग में विकारों से बचकर धन पद पर रहने का उपाय है। मेरे सहस्र नाम जाप के साथ मेरे श्री यंत्र श्री विद्या की आराधना। श्री विद्या आराधना माता। श्री विद्या अर्थात संसार की समस्त भौतिक और आध्यात्मिक वस्तु को प्राप्त करने की एवं समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने की विद्या, जो मैं सर्वप्रथम नंदी जी को प्रदान कर रही हूँ। नंदी जी, आज आप इस युद्ध में मेरे सहायक बने
इसलिए आशीष स्वरूप मैं आपको श्री विद्या का ज्ञान देती हूँ, जो संसार तक आप ही के माध्यम से पहुंचेगा। जो आज्ञा माता। आपकी सहस्त्रनाम माता। वो ज्ञान तो मैं प्रभु हैग्रीव को दे चुकी हूँ पुत्र, जो भविष्य में उसे ऋषि अगस्त्य तक पहुँचाएंगे। और फिर चलता है का भाव जब अपने चरम पर होगा, तब उनके जीवन को सुपथ पर लाने के लिए मेरे श्री यंत्र और सहस्त्र नाम का उदय समाज में होगा। इन्हीं के जाप से चलता है के भाव का नाश होगा और 6 विकार भी नियंत्रण में आएंगे। श्री यंत्र के विषय में कुछ और बताने की कृपा कीजिए। श्री यंत्र सभी यंत्रों में मुख्य है पुत्र गणेश। संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति तथा विकास का प्रतीक होने के साथ साथ ये मानव शरीर का द्योतक भी है। मेरा पूजा चक्र है जिसके आधार पर मेरे श्री रथ का और मेरे श्री धाम का निर्माण हुआ है। इसके मध्य में बिंदु है, बाहर भूपुर, भूपुर के चारों ओर 4 द्वार और 10 प्रकार के अव्यय हैं, जो इस प्रकार बिंदु, त्रिकोण, अष्टकोण, अंतर्दशार, बहिर्दशार, चतुर्दशार, अष्टदल कमल, षोडशदल कमल, 3 वृत्त, 3 भुपुर। इसमें 4 ऊर्ध्व में त्रिकोण, 9 चक्रों से बने इस यंत्र में 4 शिव चक्र और 5 शक्ति चक्र हैं। इस यंत्र में 43 त्रिकोण, 28 मेरम स्थान और 24 संध्यावंती है। मेरा ये यंत्र सर्व सिद्धिप्रद और सौभाग्यदायक भी है। कलयुग के प्राणियों के लिए कामधेनु और कल्प वृक्ष के समान होगा। जो भी इसकी पूजा करेगा उसे श्री विद्या ज्ञान प्राप्त होगा, जो अभी केवल नंदी जी को ही ज्ञात है। ये श्री चक्र मेरा आराधना स्थल भी है, मेरा निवास स्थल भी और मेरा रथ भी। प्रथम पूज्य गणेश, अब तुम जाकर मेरे श्री यंत्र पर अपना स्थान ग्रहण करो पुत्र। मुझे इतना सम्मान देने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद माता। आप भी अपने श्री रथ पर आने की कृपा कीजिए माता। सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौली स्फुरत तारानायक शेखरां स्मितमुखीमापीन वक्षोरुहां पाणिभ्याममलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यारत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत पराम्बिकां ध्यायेत पद्मासनस्थां विकसितवन्दनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितलसद्वेम पद्मां वराङ्गीं सर्वालंकार युक्ता सतम भयदां भक्त नम्रा भवानीं श्री विद्या शांत मूर्तिं सकल सुरुनतां सर्व संपत्त प्रदात्रीं। गणेश जी, आपने तो कहा था 2 व्रत वापस नहीं मिलेगा, पर कार्तिक के भैया तो चले गए। तो क्या हुआ, यहाँ कैलाश में हमारे साथ अन्य सदस्य भी तो है, जैसे नंदी जी, तोतला जी, श्रृंगी जी और शिवगण। सभी सदा तुम्हारे साथ क्रीड़ा करने और तुम्हें स्नेह देने के लिए तत्पर रहेंगे। पिताश्री प्रभु महादेव काले वस्त्रों में।
गणेश जी, आपने तो कहा था कैलाश में सब अश्वेत है, किंतु यहाँ तो कुछ भी वैसा नहीं है। वही तो मैं भी समझने का प्रयास कर रहा हूँ रश्मि प्रभा, कि यहाँ क्या हो रहा है। प्रणाम पिताश्री, कृपया मुझे बताइए कि आपने इन श्याम वर्ण के वस्त्रों को क्यों धारण किया है। अवश्य पुत्र, ये तो मेरे लिए अत्यंत हर्ष की बात है। मैं एक अत्यंत शुभ कार्य करने के लिए तत्पर हूँ, जिसका आरंभ करने पर 41 दिन पूरी निष्ठा से इसका पालन करना होता है। इसे दीक्षा समझे, व्रत कहें, अभी 41 दिन निरंतर चलती रहेगी। ये आयोजन अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब जिसमें 41 दिन इस माला को धारण करना होगा, क्योंकि ये माला सभी नियमों का स्मरण कराती है। पिताश्री, हमें इसके नियम विस्तार से बताने की कृपा करें। इस व्रत की अवधि में प्राणी को पूर्ण ब्रह्मचारी होकर पूजा करनी होती है। भोर में उठने के बाद और रात्रि में निंद्रा से पहले शीतल जल से स्नान करना होता है। स्नान आदि कर पूजा के उपरांत ही आप भोजन कर सकते हैं, जो सात्विक हो, जो स्वयं अपने हाथों से बनाया गया। इसलिए आज से देवी पार्वती, अन्यथा कोई भी 41 दिनों तक मेरा भोजन तैयार नहीं करेगी। इन 41 दिनों में सुगंधित दिव्य आदि का प्रयोग, कोई भी हिंसा, किसी की भी निंदा अथवा मनोरंजन के कार्यों का भी निषेध करना होगा। बस भक्ति के सागर में ही रमना होता है। इस समय काले वस्त्र धारण करना और बिना पादुकाओं के रहना होता है। हर प्रकार के व्यसन अथवा मादक पदार्थों से दूर रहना होता है और किसी भी मूल्य पर स्वयं को तन और मन दोनों से पवित्र रखना होता है। कहीं भी यात्रा से लौटने पर पांव धोकर ही निवास में प्रवेश करना होता है। इस प्रकार सरल पावन जीवन का निर्वाह करते हुए धरती पर शैया बिछा कर निंद्रा करनी होती है और सदैव मस्तक पर चंदन का लेप और कुमकुम लगाना होता है। इस माला को धारण कर ये व्रत कोई भी कर सकता है। इन नियमों का पालन कर 41 दिन के उपरांत मैं सबरीमाला मंदिर की तीर्थ यात्रा पर जाऊंगा। सबरीमाला? और 41वें दिन यात्रा की समाप्ति पर प्रभु दर्शन के साथ ये व्रत संपन्न होता है। उसके उपरांत सभी भक्त अपनी माला का त्याग कर सकते हैं। इतना कठिन व्रत और इतने सारे नियम, ये किन भगवान की पूजा के लिए? स्वामी शरणमयप्पा, स्वामी शरणमयप्पा, स्वामी शरणमयप्पा। ये किनका नाम है गणेश जी? मैंने तो ये नाम पहले कभी नहीं सुना। आपके पिताजी तो देवों के देव है ना गणेश जी, महादेव है वो, सबसे बड़े हैं। तो फिर वो किसी और भगवान की पूजा क्यों कर रहे हैं? ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः। हम पूजा तो कर रहे हैं गणेश जी, किंतु किन भगवान की? माँ को अवश्य ज्ञात होगा, आओ उनसे ही पूछते हैं। माँ, प्रणाम। माँ, प्रणाम माता। माँ, पिताश्री ये कैसा व्रत कर रहे हैं जिसमें वो स्वयं अपने हाथों से अपना भोजन तैयार करेंगे? तो क्या आप हमारे लिए भी भोजन नहीं पकाएंगी? नहीं पुत्र, तुम चिंता मत करो, मेरे लाडले पुत्र को तो मेरे हाथों से ही भोजन प्राप्त होगा।
और आज तो रश्मि प्रभा का कैलाश में स्वागत का दिन है, तो पकवान तो विशेष और स्वादिष्ट होने ही चाहिए ना। किंतु माँ, ये तो बताइए कि पिताश्री किनकी दीक्षा पूजा कर रहे हैं? देवों के देव महादेव किनका व्रत कर रहे हैं? अयप्पा स्वामी का। अयप्पा स्वामी, ये नाम तो मैंने पहले भी सुना है माँ, किंतु ये कौन है? अयप्पा स्वामी प्रभु श्री हरि नारायण और स्वयं महादेव के अंश। ओम हरा शंकरा। वंदनम दिगंबरा वंदिता पुरंदरा इंदुधर दुरंधरा हिमाचलाग्र मंदिरा। ओम हरा शंकरा। हर हर। ओम हरा शंकरा। माता, माँ, अयप्पा स्वामी प्रभु नारायण और महादेव के अंश। हाँ, और पुत्र गणेश, इसके पीछे एक बड़ी और रोचक कथा है, तो वो कथा हमें सुनाइए ना माता। हाँ माँ, अवश्य पुत्री। अयप्पा स्वामी के जन्म की कथा का संबंध एक महाराक्षसी से है जिसका नाम महिषी था। महिषी महिषासुर की बहन थी, वही महिषासुर जिसका वध मैंने महिषासुर मर्दिनी के रूप में किया था। प्रतिशोध चाहिए मुझे, प्रतिशोध की ज्वाला ही धधक रही है मेरे भीतर। मेरे भ्राता का अंत एक नारी ने किया था ना, तो अब ये नारी उसका प्रतिशोध लेगी। तो उसमें विलंब क्यों? नहीं विकट, इनका अभी जाना उचित नहीं है। विकराल, इनके प्रतिशोध की भावना भी उचित है और उसके लिए इनका जाना भी। ये जाएं अवश्य जाएं, किंतु उसके पहले कुछ तैयारी करनी होगी। हमारे समान भयंकर असुर तो जन्म से ही तैयार होते हैं। यही विचार महासुर महिषासुर के अंत का कारण बने। नहीं, उनका अंत नारी शक्ति पर संदेह के कारण हुआ, और महिषी, महिषी तो स्वयं एक नारी है। नारी है, अजय नहीं है, इन्हें अजय बनना होगा। परंतु और ब्रह्मदेव के वरदान से ही संभव है, जो आपको अजर अमर बना देगा, और फिर देवताओं के इसी वरदान को उनसे प्रतिशोध लेने का साधन बनाएंगे हम, और यही होगा हमारा वास्तविक प्रतिशोध। तो पहले वरदान, फिर प्रतिशोध। और महिषी ब्रह्मदेव की तपस्या करने लगी, और फिर महिषी ने क्या किया? हाँ बताइए ना माँ, उसके बाद क्या हुआ? महिषी के तप का प्रभाव अब बढ़ने लगा था। देवर्षि नारद को इसका आभास हो गया, और फिर उन्हें देवराज इंद्र को सचेत कर दिया। ओम ब्रह्म देवाय नमः। वायु प्रवाह से अभी इसके तप को भंग कर दूंगा मैं।
देवाय नमः। इसके तप की ऊर्जा से इसके बढ़ते हुए भार को संभालना कठिन हो रहा है। वायुदेव, संभालिए अपने आप को। वायुदेव को उनकी ही वायु से आहत किया इस दुष्टा ने। अब मैं इसका अवश्य दंड दूंगा इसे। इसके तप का ताप मेरी अग्नि के समक्ष नहीं टिकेगा। आश्चर्य, इस पर तो मेरी अग्नि का प्रभाव ही नहीं हो रहा है। चिंता मत कीजिए अग्निदेव और वायुदेव, यह आप दोनों की शक्तियों से नहीं रुकी, किंतु यह जल में श्वास कैसे ले और श्वास के बिना तप संपन्न करना कहां संभव है। जल से भी सुरक्षित हो रही है, किंतु मैं रुकूंगा नहीं। महिषी का तब तब प्रभावी हो गया था कि तीनों देवता उसे कुछ नहीं कर सके, किंतु देवराज इंद्र को ये स्वीकार नहीं था। इसने तो अपनी तपोशक्ति से वायुदेव को होने की वायु से और अग्निदेव को होने की अग्नि से पीछे कर वरुण देव को होने के जल से भिगो दिया। अब मुझे ही कुछ करना होगा। अब कोई स्वर सुनाई नहीं दे रहा, हमारा कार्य संपन्न हो। तो मां, सच में महिषी का तप भंग हो गया? नहीं। किंतु देवता उसको लेकर निश्चिंत हो गए थे और अब किसी का भी ध्यान उसके तप पर नहीं था। स्वामी अय्यप्पा
फिर क्या हुआ? हाँ माँ, इन सब का प्रभु अयप्पा के जन्म से क्या संबंध है जिनका पिताश्री इतना कठोर व्रत कर रहे हैं? अवश्य बताऊंगी, किंतु पहले तुम दोनों अपना भोजन ग्रहण करना आरंभ करो। अवश्य। वहाँ एक ओर महिषी का घोर तप चल रहा था और वहीं दूसरी ओर पृथ्वी पर पांडुलम राज्य के राजा राजशेखर और उनकी पत्नी, वो दोनों अपने आराध्य महादेव एवं श्री हरि की पूजा में लीन थे। वो इन दोनों देवों के इतने बड़े भक्त थे कि उनकी पूजा सदैव साथ ही करते थे। ओम शंकराय नमः, ओम महादेवाय नमः, ओम नमः नमः, ओम महादेवाय नमः नमः, ओम नमः नमः। एक समय था जब पांडुलम एक धन्य धान्य से समृद्ध राज्य था, किंतु फिर प्राकृतिक आपदाओं और भ्रष्ट आचरण के कारण धीरे धीरे वो राज्य संकट ग्रस्त हो गया। रोग और भूख उस राज्य की प्रजा का आखेट करने लगी। राजा का कोई उत्तराधिकारी भी नहीं था, इसीलिए वो दोनों संकट से मुक्त होने के लिए और पुत्र सुख पाने की कामना में हरिहर की पूजा कर रहे थे। ओम नारायणाय नमः। किंतु कोई था जो उनकी स्थिति का लाभ उठाने की ताक में था। शीघ्र अतिशीघ्र बिना वंशज के इस राजा की मृत्यु होगी। इसका राज्य और सिंहासन दोनों मेरे होंगे, मेरे। ओम शंकराय नमः। पांडुलम के महामंत्री, अब समय आ गया है तुम्हारी योजना पूर्ण होने का।